Hi guys, you are watching Aesthetic World. My today's topic is what is the difference between animal protein and plant protein. अब आपको जिम में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे आप वेजिटेरियन होके बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते. आज मैं आपको बताऊंगा क्या आप वेजिटेरियन होके बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं या नहीं. बस दो ही ऐसे डिफरेंस हैं जो प्लांट प्रोटीन को एनिमल प्रोटीन से डिफरेंट करते हैं. अब वो कौन सी हैं, जैसे कि आपको एनिमल प्रोटीन में लीन प्रोटीन मिल सकता है. लीन प्रोटीन का क्या मतलब है, मतलब अकेले प्रोटीन, आपको कोई कार्ब्स कुछ नहीं मिलेंगे अगर आप एनिमल प्रोटीन लेंगे. और अगर आप प्लांट प्रोटीन लेंगे आपको उसमें कार्ब्स प्रोटीन फैट्स भी मिलेंगे. जहाँ पे एक जो नॉन वेजिटेरियन है वो प्लांट बेस्ड चीज़ें बस कार्बोहाइड्रेट्स के लिए खा रहे हैं और आप वही सेम चीज़ें बस अपने प्रोटीन फुलफिलमेंट के लिए खा रहे हैं, बस ये डिफरेंट है. अब जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो एनिमल प्रोटीन है उसमें सारे के सारे नो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कम होते हैं और जो एक वेजिटेरियन प्रोटीन है उसमें नो के नो आपको नहीं मिलेंगे. अब अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, आर द अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर प्रोटीन. अब ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको कहेंगे आप वेजिटेरियन होकर बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते. क्या आप रियली भी वेजिटेरियन होकर बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं? इसका जवाब है येस यू कैन डू. अगर आप अपने फूड में नौ के नौ एसेंशियल अमीनो एसिड्स कंप्लीट कर लें. वो होंगे कैसे, अपने फूड में वैरायटी ऑफ फूड्स ऐड ऑन करें. कैसे, आप एक चीज़ में स्टिक ना हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फूड ऐड करें ताकि आपकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कम्प्लीट हो जाए. लेकिन फिर भी जो आपके रिजल्ट्स हैं, आपके रिजल्ट्स उतने फास्ट नहीं होंगे जितने एक नॉन वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग बिल्डर के होंगे. सो लेकिन हो सकता है वेजिटेरियन होके भी आप बॉडी बना सकते हैं. बस यही दो डिफरेंस हैं एक नॉन वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर और एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर में. एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट. ओके गाइस, सी यू.